हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक ऑटो। दिस इज़ तान्या गोगिया एंड आज हम करने वाले हैं टाटा हैरियर का ओनरशिप रिव्यू और मेरे साथ हैं आयुष एंड अभी। हेलो। एंड अभी से आज हम जानने वाले हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है टाटा हैरियर के साथ, एक्चुअली विद दिस ब्यूटिफुल बीस्ट। सो आज हम उनसे सारा एक्सपीरियंस उनका जानेंगे, उससे पहले उन्होंने कौन सी कार्स यूज़ की हैं हम वो भी जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो वील प्रोवाइड आवर इंस्टाग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने कौन कौन सी कार्स ओन की हैं, ड्राइव की हैं इससे पहले, एंड फिर आपने स्विच क्यों किया हैरियर पे? इससे पहले वरना भी अभी वैसे करंटली हमारे पास, इससे पहले हमारे पास डस्टर थी। डस्टर काफ़ी पुरानी हो गई थी, उसे निकालना भी था, लाइक दिल्ली के एमिशंस, उसकी वजह से निकालना भी था। तो उसके बाद हमारा यही मन था कि लाइक उससे अपग्रेड करके बड़ी लेनी है। तो वो सारी मैंने एक्चुअली डस्टर से चलाना सीखा था। वो गाड़ी बहुत प्यारी थी, बट वही रेनॉल्ट ने बंद कर दी, उसी से मैंने चलाना सीखा। फिर उसके बाद मतलब वो गाड़ी बहुत बढ़िया थी, तो उसके जैसी कोई गाड़ी चाहिए थी रफ एंड टफ, तो प्रेफरेंस हमारी हैरियर ही थी। तो मैं पूछ लेता हूँ सेकंड प्रेफरेंस। ओके, ऑल्दो हैरियर थी बट स्टिल मार्केट में 220 और में घूम रहे हैं। XUV, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो तब तक नहीं आई थी। XUV की वेटिंग बहुत ज़्यादा। XUV 700 एंड MG हेक्टर। MG हेक्टर यार उसका मन ही नहीं था जाना ही नहीं था उसकी तरफ। दूसरा XUV थी, XUV की एक तो वेटिंग बहुत ज़्यादा, इतना वेट नहीं कर सकते यार, एक साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद ये है कि XUV मेरे को दिखने में इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगती, ओपेंड होंगे व्यूअर्स तो कोई बात नहीं मुझे नहीं लगती, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, बस हैरियर ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, इसलिए XUV नहीं देखी। प्लस ये है ना कि XUV थोड़ी कार टाइप फीलिंग देती है चलाने में, ऑल्दो उसमें है ऑल व्हील ड्राइव, इसमें नहीं है, बट स्टिल वो ड्राइविंग फील थोड़ी उसकी कार टाइप ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है अभी कि आपको ये कार ऑन रोड कितने की पड़ी, कौन सा वेरिएंट है और इसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, ये सब कुछ हम जानना चाहेंगे। ये हमने XZS लिया है मॉडल, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इससे पहले XZ प्लस आता था, इन्होंने एक्चुअली क्या करा था, XZ प्लस को ही XZS बना दिया था। तो ये हमें पड़ा था 23.5 समथिंग का ऑन रोड, और अगला क्या था, मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक? ये मैनुअल है। एक्चुअली ऑटोमेटिक चलाने में इतना मज़ा नहीं आता और बस इसलिए मैनुअल की तरफ ही जाना था। क्या आपको लगता है ये प्राइस जस्टिफाई करती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, क्योंकि एक्चुअली देखो तो क्रेटा आजकल है ना टॉप मॉडल 21 या 22 का आ जाता है, तो हिसाब से अगर 1.5-2 लाख रुपए इसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो काफ़ी कुछ मिल रहा है। ओके, सो आपको कार का परफॉर्मेंस कैसा लगा, सिटी, हाईवे, हिल्स? वैसे तो मोस्टली आया देहरादून से, तो ब्लाबला में गया था अच्छा, इसमें नहीं गए? हाँ नहीं, इसमें नहीं गया था, ब्लाबला में गया था। तो इसका सिटी में तो मतलब लाइक सिटी मोड में तो बहुत अच्छा है, मैं ज़्यादातर सिटी मोड यूज़ करता हूँ, माइलेज भी सही मिलती है नॉर्मल, और स्पोर्ट्स मोड में तो भगती है, स्पोर्ट्स मोड में तुरंत उठती है। पिकअप बहुत अच्छा है इसका, मतलब कम आरपीएम पे ही बहुत अच्छा टॉक मिलता है। इको मोड में थोड़ा ये है कि हाईवे पे अगर क्रूज़ कर रहे हो तो इको अच्छा है, माइलेज अच्छी आएगी, बस वैसे मज़ा नहीं आता इको में, सिटी में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी आपने कहाँ कहाँ ड्राइव करी है अभी तक? इससे ज़्यादा गई तो ले नहीं गए हैं, लाइक आगरा गए हैं और एक बार देहरादून गए थे, फिर दिल्ली गए थे, दिल्ली वगैरह गए थे, नोएडा गए थे, अभी 3 तारीख को राजस्थान जा रहे हैं। नाइस। तो मतलब ये तो देखे तो हिल्स पे भी आपने चला ली, हाईवे पे भी चला ली आगरा के लिए, तो दोनों में आपको कैसा लगा, स्टीयरिंग कैसा लगा? स्टीयरिंग मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। अभी मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि लाइक गाड़ी का स्टीयरिंग है ना थोड़ा हैवी होना चाहिए, बिल्कुल हल्का नहीं होना चाहिए, गाड़ी बढ़िया चलती है, बिल्कुल चिपक के चलती है, और ये है कि कंट्रोल बढ़िया रहता है गाड़ी का। शहर में थोड़ा हैवी लग सकता है, बट मैं इससे पहले डस्टर चलाता था तो मुझे वो फील नहीं होता, मुझे डस्टर से हल्का ही लगता है ये। जैसे आपने सिटी, हाईवे, हिल्स हर जगह ड्राइव किया है, तो माइलेज बताओ आप कि सिटी में, हाईवे पे और हिल्स पे कितनी कितनी माइलेज देती है? माइलेज तो इसका 16 के आसपास ही आ रहा है, 16.2 इसका अभी एवरेज बैठा है ट्रिप का, जो कि हमारी है 2505 किलोमीटर। और जो हमारा टोटल आया वो 15.7 है जो अब तक चली है उसका टोटल एवरेज। ग्रेट टू नो दैट। सस्पेंशन कैसा है कार का? सस्पेंशन बहुत अच्छा है, लाइक नॉर्मल पंप्स तो फील नहीं होते इतने। भाई ये कहते हैं कि सीरियसली ग्लाइड होती है गड्ढों में से भी, बहुत स्मूथ है। और अगर आप इसे हाई स्पीड में चला रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील देता है, मतलब लाइक कुछ फील नहीं होता, लाइक रोड इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। एंड यार आज हमको ना ड्राइव करते हुए किसलिए करना पड़ रहा है, ये देखो बारिश हो रही है, हम तब भी काम कर रहे हैं, मौसम नहीं जाता, हम बाहर करके बनाए। हाँ सोच लगा तो आप लोग ड्राइव करो तभी बनाओ। चलो तो इनसे जानते हैं कि इनको बिल्ड क्वालिटी और फिट फिनिश कैसा लगता है कार का। फिट फिनिश अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, Hyundai के i20 की बेटर फिट फिनिश है। अच्छा तो नहीं लगता बोलते हुए, कहते ये बात सच है पर मेरे को बड़ी खुशी हुई। नहीं सीरियसली Hyundai की गाड़ियों की, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना बढ़िया गाड़ी बनाने का। अब टाटा वालों ने हिम्मत करके तो ये निकाली कि चलेगी भी कि नहीं, अब चल गई उनकी बढ़िया गाड़ी, मतलब बढ़िया है सही में। तो फिट फिनिश इतनी अच्छी नहीं है। ओके तो जैसे कि अभी को फिट फिनिश तो अच्छी नहीं लगी, तो जानते हैं कि और भी क्या ड्रॉबैक्स आपको दिखाई देते हैं। पहली तो फिट फिनिश थी, और दूसरी थी इसकी हेडलाइट परफॉर्मेंस, लाइक हाई बीम में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, चेंज करानी है मैं भी अभी। उसका एक और पंगा है कि इसका है ना आगे बम्पर में हेडलाइट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चेंज करना, पूरा सेटअप खोलेगा। हाँ पूरा सेटअप खोलना पड़ता है, वो नॉर्मल कर ही नहीं सकता। बाकी गाड़ी में तो ये आगे बोनट खोलो लगा दो, इसमें नहीं है, इसमें बम्पर में लगे हुए तो वो खोलना पड़ेगा। और बस यही है और कुछ तो नहीं। डिस्प्ले लोग इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बोलते हैं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि फोन तो देखना नहीं है। हाँ मैं इसमें गेम तो खेलना नहीं है मेरे को, मैं पिक्चर देखनी है, मेरे को गाने चलाने हैं। स्पीकर बहुत अच्छे हैं, स्पीकर बहुत अच्छे हैं। हाँ ये तो हमने भी सुने हैं, तो वो काफ़ी व्यूअर्स सुन लो स्पीकर बहुत अच्छे हैं। तो जिनको म्यूजिक, द पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। मैंने सिद्धू मूसेवाला सुन के चलानी है ना, उनके लिए बहुत मज़ा आएगा पूरा। करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर अभी इज़ कि आफ्टर सेल सर्विस आपका कैसा रहा है, एंड क्या आप रिकमेंड करोगे हमारे व्यूअर्स को टू बाय दिस कार? आफ्टर सेल सर्विस अभी तो इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है सर्विस सेंटर के साथ, लाइक जो प्रॉब्लम थी, लाइक पहले एक व्हील अलाइनमेंट की थी, वो तो आती है, मतलब लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग है, बस वो है कि डीलर कैसे डील करता है उसके साथ। उन्होंने अच्छे से डील करा था, ठीक करके दे दी थी, और उन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। लाइक करते हैं ना कि रोक लेते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, खड़ी कर देते हैं कि लाइक आप जाओ हम आपको बता देंगे, वैसा कुछ नहीं करा उन्होंने, उसी दिन ठीक करके दे दी। सर्विस भी ठीक ही करी थी इन्होंने, मतलब पहली में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस ये है कि आगे की इसकी 7000 किलोमीटर पे एक सर्विस होती है, तो उस पर पता चलेगा कि मेन अभी तक तो ऐसा कोई इशू है नहीं, वो कर देते हैं आराम से। और टाटा इम्प्रूव तो सही में कर ही रहा है। तो अभी आप रिकमेंड करना चाहोगे इस कार को और क्यों के व्यूअर्स को? यार रिकमेंड तो मैं यही कहूँगा कि देखो अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए ना तो तुम जाओ यार XUV की तरफ। मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे नहीं चाहिए थे, सीरियसली मुझे नहीं चाहिए थे मुझे चाहिए था गाड़ी चलाने में मज़ा आए, वो मेरी। और गाड़ी ऐसी हो कि जिसे देख के अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरी बहुत बढ़िया गाड़ी है, देख के मज़ा आए, सुंदर लगे, जिसे साफ भी करने का मन करे। तो वो अच्छी तो XUV है, बट मेरे को उसके लुक अच्छे नहीं लगते। बस ये है कि गाड़ी वो भी अच्छी है, उसकी वेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, पर बट ये है कि अगर आपको वेटिंग का कंसर्न है और आप ये सोच रहे हो कि हैरियर ले ना लें तो ले लो। अभी वैसे इसका नए फीचर डाल दिए इन्होंने, ऑटो एक्सपो में मैं देख कर आया था, काफ़ी फीचर इन्होंने डाल दिए, मैंने भी देखा था, काफ़ी बहुत सारे फीचर डाल दिए। ठीक है नहीं बताना क्या नहीं वीडियो वो अलग वीडियो बन रखा है, डाल दूंगा मैं उसका वीडियो में पहली मैंने लीक कर दी हो, अगर मैं लीक कर दूंगा यहाँ पर कि क्या क्या फीचर है कोई नहीं देखेगा। सो अभी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो इससे एक्स्ट्रा? मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले मत रिजेक्ट करना, चला के देखना तब पता चलेगा आपको डिफरेंसेस क्या। हाँ वो तो मतलब कैबिन का प्रेजेंस भी आपको तभी पता चलता है जब आप रोड पर कार को लेके आओगे। क्योंकि मेन है ना गाड़ी का। देखो पता है क्या है, गाड़ी दिखने में अच्छी होती है, सब कुछ है गाड़ी में, पीछे भी अच्छा होता है, पीछे टूसोन आ रही है वो भी अच्छी है ना, बट ये है कि बंदा जब तक चलाएगा नहीं ना अपने हिसाब से। अब देखो बंदों को कुछ कुछ ये होता है कि स्क्रीन अच्छी हो, मुझे नहीं चाहिए। कुछ कुछ ये होता है पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एनालॉग ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बंदे को अपनी प्रेफरेंस के साथ जाना चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, उसे वो चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए। हाँ मुझे गाड़ी है ना चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मैं चला के फील करता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई ये फीचर भी हो वो फीचर हो। देखो फीचर तो बहुत सारे दे देंगी कंपनियाँ, MG बहुत सारी दे रही है, फिर भी वो गाड़ी नहीं बिक रही, वो चीज़ है ना। I've gathered enough information टाटा हैरियर के बारे में। थैंक यू सो मच अभी आप यहाँ पर आए इस वेदर में एंड हमारे साथ हमें टाइम दिया, शूट किया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वील प्रोवाइड आवर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।